रोलिंग कैमरा एक्शन। फिर से सफारी पे जा रहे हैं। सुबह को हम गए थे सेंट्रल रेंज, अब जा रहे हैं वेस्टर्न रेंज। रेंज मतलब जैसे कॉर्बेट में होता है गेट, वैसे ही यहाँ पे है रेंज। ठीक है, गेट का सेम थिंग। बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ, तो ऐसे है कि बस ख़त्म करूँ और आके ना खा पी के सोऊँ, तो बस डिनर करने का भी मन नहीं कर रहा। गाइस, तो शायद मैं एंड पे कुछ बोल ना पाऊँ, बस सीधा आके सो जाऊँ। पहले मैं बताती हूँ कि मैं जाऊँगी वीडियोस बनाऊँगी बना के, एंड वाला गुड नाइट नहीं बोल पाऊँगी शायद। और चार्ज भी नहीं है मोबाइल पे, पावर बैंक भी, पावर बैंक में भी ऑलमोस्ट चार्ज ख़त्म हो गया है, तो देखते हैं क्या होता है। वीडियो को कंप्लीट देखना है, कमेंट करना है, लाइक करना है एंड सब्सक्राइब भी करना है। और आप मुझे इंस्टा एंड फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन। उन्होंने मुझसे SMS में पूछा कि पानी की बॉटल है कि नहीं। मैंने कहा कि सिर्फ दर्श का बॉटल है, वो भी पर्सनल, और एक्स्ट्रा कोई प्लास्टिक की बॉटल या पानी की बॉटल नहीं, और खाने का सामान भी कुछ भी नहीं। बहुत बेसी पसंद है। आप फॉरेस्ट के अंदर कोई भी प्लास्टिक बॉटल, चिप्स के पैकेट या फिर कुछ भी सामान, मतलब खाने का सामान लेके नहीं जा सकते। ये रूल है, क्योंकि लोग अक्सर क्या करते हैं, फॉरेस्ट के अंदर पिकनिक मनाने चले जाते हैं और वहाँ पे प्लास्टिक की बॉटल, प्लास्टिक फेंक के आ जाते हैं, और उससे एनिमल्स को काफ़ी नुकसान होता है। इस रेंज में कभी कभार टाइगर भी दिखने को मिल जाता है। अब पता नहीं हमारे किस्मत में क्या लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं, फिंगर क्रॉस, टाइगर देखने को मिल जाए।
उस जगह पे पानी की लेवल मार्क किया हुआ है मॉनसून के टाइम पे किस हद तक पानी का लेवल बढ़ जाता है। आपको अभी पता चल ही गया होगा कि क्यों मॉनसून के टाइम पे एनिमल्स इतने मारे जाते हैं। वाटर लेवल इस हद तक बढ़ता है कि एनिमल्स सर्वाइव ही नहीं कर पाते। कभी कभार क्या होता है, एनिमल्स पानी से बचने के लिए हाईवे पे आ जाते हैं और एक्सीडेंट पे एनिमल्स मारे जाते हैं। ये फॉरेस्ट ब्रह्मपुत्र रिवर से पूरा घिरा हुआ है और आसाम में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो उस दौरान पानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो रहा वॉच टावर जहाँ से आप खूबसूरत नज़ारा इंजॉय कर पाओ, लेकिन आज इस वक्त मैं ऊपर नहीं जा सकती क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर अपने फैमिली के साथ नज़ारा इंजॉय कर रहे हैं। एक्चुअली ये जगह टाइगर जोन भी है, ऊपर शायद कभी कभार टाइगर भी दिख जाते हैं, लेकिन ये जगह बहुत खूबसूरत है, बहुत सुकून है यहाँ पे, इस जगह पे। अब हम जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट जो कि काजीरंगा में बहुत ज़्यादा फेमस है। सफारी भी ख़त्म हो चुका है और मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग गई है, ये मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। और वो रेस्टोरेंट भी बहुत खूबसूरत सा है, बहुत ही यूनिक सा है, और जिन्होंने बनाया वो रेस्टोरेंट वो भी बहुत फेमस है। उस रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी है कि जो ओनर है उन्होंने जो लाइफ में अचीव किया है अपने मेहनत से, उससे उस रेस्टोरेंट को उन्होंने डेकोरेट किया है। और एक स्पेशलिटी है कि वो खुद खाना बनाते हैं, हेल्पर्स रखे हुए हैं बट वो प्रोफेशनल कुक नहीं है, फिर भी वो खाना बनाते हैं और खाना बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही यम्मी खाना बनाते हैं वो। ब्लैक टी शर्ट पे आप जिस आदमी को देख पा रहे हो वही ओनर है, उनका नाम है जॉन और रेस्टोरेंट का नाम है जॉन्स किचन। अब आप देखो रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी क्या है, इंटीरियर देखना है बस।
थीम है वो बाइक राइडर के ऊपर है, जो ओनर है तो वो राइडर है एंड उन्होंने जहाँ जहाँ ट्रेवल किया सारे फोटोज एंड हेलमेट्स में कुछ स्टिकर्स, बहुत सारे स्टिकर्स और जैकेट्स में बहुत सारे बैचेस, ये सब उन्होंने डिज़ाइन करके पूरे रेस्टोरेंट को डेकोरेट किया है। बहुत खूबसूरत सारी रेस्टोरेंट है एंड बहुत ही यूनिक सा थीम है। मतलब मैं जब मनाली पे गई थी तो मनाली पे सेम एक रेस्टोरेंट है सेम राइडर्स के ऊपर, बट उसमें क्या है ना कि जो चेयर्स वगैरह है तो उसमें चेयर्स नहीं है, बट बाइक के ऊपर बैठ के आपको जैसे कॉफ़ी आप ले रहे हो कुछ ले रहे हो वो आपको लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे अलग है। मतलब सेम डेकोरेशन सेम किया हुआ है बट यहाँ पे टेबल एंड चेयर है और वहाँ पे बाइक रखे हुए हैं। बहुत खूबसूरत है ये, मतलब काजीरंगा में ऐसा एक कैफे होना। अब खाना भी बहुत टेस्टी है, कल रात को यहाँ से हम स्नैक्स लेके गए थे, खाना भी बहुत यम्मी है। तो आज यहाँ पे ऑर्डर किया गया है चिकन फ्राइड राइस और चिकन मंचूरियन, शायद मुझे पता नहीं शायद क्योंकि बहुत लोग आए हैं, तो मैं बस वीडियो शूट करने में लग गई थी तो ऑर्डर हो चुका है, तो खाना आने के बाद पता चलेगा। मैं वापस आ गई हूँ रूम में, लेकिन लाइट नहीं है, क्या ही मैं बताऊँ। मेरा अभी एनर्जी परसेंट ऐसा है कि 2% में है, मैं कभी भी 0 और -1 पे जा सकती हूँ, मेरे एनर्जी लेवल -1 तक भी जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा है कि अगर मैं चाय पी लूँ या फिर फ्रेश हो जाऊँ ना तो मैं वहीं पे ही सो जाऊंगी और मेरे में हिम्मत नहीं रहेगा कि मैं कहीं डिनर करने के लिए भी जाऊं। लेकिन फिर भी अगर मैं सही रही, एनर्जी लेवल सही रहा, तो डिनर के लिए वापस वही रेस्टोरेंट पे जाएंगे जहां पे लंच किया। फ्री और आज हम निकल रहे हैं घर के लिए, आफ्टर ब्रेकफास्ट निकलेंगे और करीबन 10 बजे तक निकल ही जाएंगे। और ब्रेकफास्ट में है ब्रेड ऑमलेट, मैगी और चाय। और कल मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी और इसलिए लास्ट वाला वीडियो उतना अच्छे से नहीं बना पाई, लेकिन जो भी हो मज़ा बहुत आया, टाइगर देख नहीं पाई कोई नहीं इट्स ओके, लेकिन बहुत ही मस्ती हुआ था, ठीक है। एंड अच्छा है, जो भी है बहुत ही अच्छा है। एंड आप लोग भी आइए काजीरंगा, इन्जॉय कीजिए, लेकिन साफ़ सफाई ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, कोई गार्बेज बाहर नहीं फेंकना है, स्पेशली वाइल्ड लाइफ को क्लीन रखना है, मतलब जंगल को साफ रखना है, उन लोगों को प्रोटेक्ट करना है, ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड ऑब्वियसली हम कर ही रहे हैं कि नहीं, इतना तो कर ही सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट एंड शेयर। अब निकल चुके हैं घर की तरफ, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।